Hello everybody, welcome to Econo Hub. So here is the topic of execution of process. But इससे पहले अगर हम लोग execution of process पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें basic knowledge होनी चाहिए कि process होता क्या है. अब एक बहुत basic सा difference आता है program और process में कि program और process में difference क्या है. Program simply instruction set of instructions को हम program बोल देते हैं. बट जो प्रोसेस होता है वो प्रोग्राम ही होता है बट इन एन एक्टिव स्टेट, विच मीन्स कि जो प्रोग्राम है वो कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन तो करता ही है कि प्रोग्राम इज बेसिकली डिफाइंड एज द कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट वो पैसिव स्टेट में होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता अभी. अगर किसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं. तो उस प्रोसेस की अब एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो इसमें पता चलेगा. प्राइमरी जो सोर्स कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है. बेसिकली सोर्स कोड उस पे लिखा जाता है, राइट. हाई लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड बट द कंप्यूटर कांट, राइट. सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट ये जो है रोम में प्रेजेंट होता है. रोम मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट होता है. अब हमें क्या करना है, हमें सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके कि हम क्या कराना चाहते हैं. तो इसके लिए ट्रांसलेटर यूज होता है कि असेंबली लैंग्वेज सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन लैंग्वेज में तो हमें ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है. अब जब ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा सोर्स कोड, तो वो रैम में प्रेस आ जाता है विच इज़ द प्राइमरी मेमोरी, ताकि हम उसे एक्सेस कर पाएँ, कंप्यूटर उसे एक्सेस कर पाए और उसी के थ्रू वो अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कर सके. तीन डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन. असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले को हम लोग असेंबलर बोल देते हैं. इंटरप्रेटर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन पूरी करेगा, प्रोसेस करेगा, बाकी जो भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन कंपाइलर के थ्रू दी गई हैं उसे निगलेक्ट कर देगा, इररिस्पेक्टिव हो जाएगा उसके, राइट. एंड थर्ड वन इज कंपाइलर. कंपाइलर क्या करता है, वो किसी भी कंप्यूटिंग लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखते हैं उसे मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर ही देगा. सो दिस वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, अ बेसिक प्रोसेस. थैंक यू.